सक्सेस आजकल के जनरेशन के लिए सक्सेस बस एक शब्द है। उसका सही मीनिंग सही अर्थ जानने के लिए हम देखेंगे आरव की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा जो उसे सक्सेस की ओर लेके जाता है। आरव जो एक होशियार लड़का अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और ढेर सारे सपने लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। फाइनली अब मैं अपना पेज दूंगा। आरव का कॉलेज का पहला दिन रहता है जिसी दिन आरव को राहुल और आर्या मिलते हैं। जिनसे वो लाइब्रेरी का पता पूछता है जिसे राहुल और आर्या उस बात को नज़रअंदाज करके उसे कैंटीन लेकर जाते हैं। इसी दौरान आरव राहुल और आर्या के साथ लेक्चर बंक करता है और यही धीरे धीरे रोज करने लगता है। आरव उनके साथ घुल मिल जाता है जिसे आरव को पता नहीं चलता कि वो एक गलती कर रहा है जिससे आके उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन चले जाते हैं, फिर एग्जाम के दिन आते हैं। आरव का एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होता है। उसको रिग्रेट होने लगता है कि अगर उसने लेक्चर किए रहे होते तो उसका परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा होता। पता चलता है आरव के बैक लगे रहते हैं। आरव एक होशियार है, उसे इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और उसे इंसल्टिंग फील होता है। आरव के खराब परफॉर्मेंस के कारण कॉलेज उसके घर लेटर भेजता है जिसके कारण आरव और टेंशन में रहता है और डरा रहता है। आरव को उसकी गलतियां धीरे धीरे समझने लगी और वो बहुत रिग्रेट करने लगा, सोचने लगा, जिससे वो डिप्रेस्ड होने लगा। आजकल की जनरेशन में डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो सभी स्टूडेंट्स को खाती है जिसका कारण वो खुद होते हैं। आरव की क्लासमेट सुब्रिया क्लास की टॉपर थी और आरव की वो पुरानी दोस्त रहती है। आरव उसे एक्सप्लेन करने लगता है, वो उसे सारी चीज़ें बताता है। सुप्रिया आरव की सारी चीज़ें सुनती है और उसे समझाती है और उसके हर पढ़ाई में उसकी मदद करती है जिससे आरव को कॉन्फिडेंस आने लगता है। सुप्रिया जानती थी आरव उसके करियर में कुछ अच्छा बन सकता है, इसलिए उसने मदद करने का सोचा जिससे आरव का परफॉर्मेंस पहले से बेटर होने लगा। आरव ने हर एग्जाम दी जिसमें वो अच्छे मार्क्स से पास हुआ। उसने दोस्ती और पढ़ाई का डिफरेंस समझ के लाइफ में एक अच्छा स्टेप लिया जिसमें वो कामयाब भी हुआ। आरव ने यूनिवर्सिटी टॉप किया और उसका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ। वो कहते हैं ना, अंधेरों में मैं ही नहीं उजालों में फरिश्ता ही सही। जिंदगी कहाँ थी मेरी और आज कहाँ चल पड़ी।